Hi everyone, I am Richa. So we are going to do two words, either or neither nor. Where do we use these two words? Neither means not at all. We have to add neither with nor. Neither plus nor. Whenever we have two sentences, we have two options. We can add these two sentences with nor. Like whenever you want to say no, like I'm giving you an example, neither I want to play nor I want to go outside. Here are two sentences. I don't want to play, I don't want to go outside. Then you, whenever you want to say both the same thing, that ना तो मुझे खेलना है ना मुझे बाहर जाना है, तो आप क्या बोलोगे? Neither I want to play nor I want to go outside. Simple. Neither I want to eat something nor I want to drink something. Neither I want to watch movie nor I want to talk with anyone. Like this. जब आपको बोलना हो तो नीदर यानी ना तो ये करना है ना तो वो करना है. इसी तरह इधर और. इधर कब बोलते हैं? या तो जब. ओके, इधर यू कैन ड्रिंक कॉफ़ी और टी, दोनों पी सकते हो. यू हैव टू ऑप्शन. इधर यू कैन सिंग और इधर यू कैन सिंग और डांस. यू हैव बोथ ऑप्शन. या तो तुम ये कर लो ये कर लो. तो कितना सिंपल था ना. तो आज से आप इसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं ऐसे सिंपल स्पोकन इंग्लिश में लाती रहती हूँ. और हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई यूज़ है ही नहीं. जो भी मैं दो वर्ड्स बोलती हूँ, आप मेरे वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं. तो उनका यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. प्लीज़ गाइज, आज से यू हैव टू यूज़ इधर और नीदर नॉर. सो सिंपल. इसके बाद मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.